वेलकम बैक अवधि नज़रात टू आज शो विद अली सलमान और हमारे साथ व्हाट एन ऑनर व्हाट अ प्लेयर रमजान चीपा साहब हमारे साथ है। अली तबस्सुम हर बुध जुमेरात को हमें ऑनर करते हैं और चीपा साहब ने ब्रेक में बहुत अच्छी बात की कि ये पैगाम रुकना नहीं चाहिए, एक नदी की तरह एक दरिया की तरह बहना चाहिए। अच्छाई कर नहीं सकते तो कम अज़ कम उसके बारे में बात करते रहें, क्योंकि जुल्म के अंधेरे बकौल हमारे मीडिया के हर वक्त आपको ऐसे ही लगता है, अगर आप मीडिया देखते हैं टेलीविजन देख रहे हैं तो आपको लगता है कि दुनिया खुदा ना खासा खत्म हो रही है। कॉलर हमारे साथ लाइन पे चल के कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है आपके? अली भाई के हाल अच्छे नहीं है, मेरी बिल्ली मुझे जबान चढ़ा रही है। देखें अरे नहीं नहीं अली भाई, मुझे आपसे तो बात करनी है, आपके साथ अली तबस्सुम भाई से भी बात करनी है, रमजान चीपा से भी बात करनी है। रमजान चीपा की बहुत बहुत ज्यादा तारीफ करनी है। अगर ऐसे दो तीन लोग और हमारे मुल्क में आ जाएं तो हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल 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 सही। और अली तबस्सुम साहब से मुझे ये कहना था कि मैं इनके पास पहले भी जा चुकी हूँ, उन्होंने मुझे स्टोन दिया था इनको अगर याद हो तो, और मुझे मैं इतना एक तो बहुत बहुत खूबसूरत वो स्टोन था कि जितने लोग ये देखता है ना वो दूर से ही ना सब मुझे पूछने लगता है कि आपने कहाँ से लिया, किसने दिया वो स्टोन। मुझे दोबारा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे मिला नहीं है दोबारा, और मेरे इत्तेफाक से कराची आना हो नहीं रहा कि मैं दोबारा इनसे जो है कॉन्टेक्ट करके लूँ। और अच्छा अली भाई आपके साथ अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, मेरी लाइट चली गई है। आपकी लाइट चली गई है, आपके घर की लाइट चली गई बेटा? हमारी घर की लाइट, जी जी घर की लाइट गई है। आपके साथ थर्ड गेस्ट कौन होंगे? थर्ड गेस्ट कौन है? जी जी मैं खुद हूँ आज गेस्ट थर्ड। नहीं 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 आपके साथ कोई और गेस्ट भी आज होंगे ना? हाँ जी बिल्कुल है, आएंगी वो। अच्छा तो मैं वही पूछूंगा आज कौन गेस्ट है, क्योंकि आपके साथ जो है चेयर रखी हुई है, अभी तक कोई गेस्ट नहीं आया। आपका नाम क्या है? मैं सवीरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सवीरा आप अपनी रूहानी आंख खोलें, आपको चाहिए कि आप किसी मौलाना साहब से, कोई जादू टोने वाले टोटके वाले साहब जितने चैनल्स पे नजर आ रहे हैं उनसे राबता करें। मेरे साथ मेरी प्यारी शकुंतला बैठी हुई है, और ये शकुंतला बिल्कुल सीरियसली बोल रही हूँ, कौन कौन गेस्ट कौन होगा आपके? अच्छा बाकी चैनल्स के ऊपर तुम्हें जिन भूत नजर आ रहे हैं मेरी शकुंतला नहीं नजर आ रही? नाराज हो जाऊंगा मैं अगर किसी ने मेरी शकुंतला के बारे में ऐसी बात की। नजर आता ना आपकी शकुंतला नजर आ रही है, वो जो बाकी चैनल्स पे इतने बड़ी बड़ी वो जो जिन भूत वाले अंकल बैठे होते हैं ये शकुंतला है, और आप प्लीज मेरी शकुंतला के बारे में मुझे पर्सनल मत करें। तो वाकई में ये शकुंतला ही बैठेंगी यहाँ पे या कोई और गेस्ट आएगा? शकुंतला कुर्सी ला के इनको दिखाओ, ये देखो। मैं कैसे देखूं, हमारी तो लाइट नहीं है ना। बस जब तुम्हारी लाइट और घर की लाइट आ जाए तो फिर तुम शकुंतला को कुर्सी हिलाते हुए देख लेना। शकुंतला बस रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा चीवा साहब जरा आपके लिए कॉलों का एक सिलसिला, मैं एक सवाल बड़ा जरूरी पूछ रहा हूँ। आपको कैश में, आपको इन फॉर्म ऑफ मशीनरी, आपको इन फॉर्म ऑफ एम्बुलेंसेस, आपको इन फॉर्म ऑफ हेलीकॉप्टर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपको अगर जो डोनर्स हैं या लोग देख रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ा दिल बहुत सारे लोगों का, उनको सिर्फ चैनल आप जैसे लोगों का अच्छा वाला मिल जाए, फौरी तौर पे बताइए कौन सी ऐसी चीज चाहिए जो इस वक्त इमीडिएटली जरूरत है। हमें इस वक्त एम्बुलेंसेस की जो है बहुत जरूरत है, बहुत अशद जरूरत है। ठीक है, काइंडली अगर जो है वो पहले भी आज आपके प्रोग्राम में आपने क्वेश्चन किया तो मैं उसमें भी कहूँ कि एम्बुलेंसेज की जो है वो चीपा फाउंडेशन को इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एम्बुलेंस है वो कम पड़ रही है, या जो हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं वो पुरानी हो गई, अब नई एम्बुलेंसेज की हमें जरूरत है, तो काइंडली हमें जो एम्बुलेंसेज डोनेट करें। छोटी सुजुकी एम्बुलेंस, बड़ी वाली हाईएस्ट एम्बुलेंस, जी जी दोनों है, टोयोटा हाईएस्ट कहलाती है और सुजुकी बोलान एम्बुलेंस होती है, ये डोनेट करें। दूसरा इसमें कि हमें जो है वो हमारा चीपा का दस्तखान जैसे कि है कि हम मुस्तकीन के लिए जो खाना दो वक्त का फराम करते हैं, तो उसके लिए जो है हमें बहुत बड़े फंड्स की जरूरत होती है, तो काइंडली उसमें कंटिन्यूसली डोनेट। जी अच्छा जी बस एक जल्दी से और फिर आपके लिए भाई कॉल है कि बड़ी जो गाड़ियां हैं, जो बड़े बसेस हैं जिसमें लेबोरेटरीज हैं, जिसमें हॉस्पिटल हैं, जिसमें इमीडिएट एमरजेंसी रिस्पॉन्स का इक्विपमेंट है और वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं, वो भी हमारे पास अभी डेवलप हो रहे हैं या अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे? नहीं उसमें तो अभी वक्त लगेगा, लगेगा वक्त लगेगा, लेकिन अगर एक आधी बस जिसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स अगर हो जाए तो वो अच्छा है, बिल्कुल। और आपको उसमें जो डॉक्टर्स हैं जो वॉलंटियर करना चाहें वो भी चाहें तो वो भी आपको जरूरत पड़ सकती है। अच्छा अली तबस्सुम साहब के लिए कॉलर लाइन पर जल्दी से उनसे बात करते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि चूंकि टाइम हमारा वाइंड अप कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है कहां से? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान बात कर रहा हूं लाहौर से। मैं भी सलमान बात कर रहा हूं लेकिन कराची से, हम दोनों सलमानों के दरमियान इतने फासले क्यों हैं मेरे दोस्त? बस ये फासले जो है ना ये आ गए हैं। अच्छा जल्दी से सलमान अली तबस्सुम से बात कर लें भाई। अली भाई मुझे अपने उसके
अपने फ्यूचर के बारे में पता करना था आपसे। ओके सलमान, मेरा भाई डेट ऑफ बर्थ बता दें एंड मदर नेम बता दें प्लीज। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 20 जनवरी 1986। ओके सलमान, प्लीज मदर नेम। मदर नेम है मेरा शाइस्ता। ओके अच्छा सलमान, इसमें कोई खास स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई जॉब से रिलेटेड या बिजनेस या कोई कारोबार से? मुझे जॉब से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड के मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस? वेल सलमान, यू बिलोंग्स टू अ कैप्रिकॉर्न जिसे हम जोल बुरजद्दी कहते हैं। जोडिक सेंडर साइन आपका सैटर्न, प्लैनेट की पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 23.16 डिग्री पे इस वक्त आपका स्टार है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 23 अगस्त से प्रमोशन, तरक्की, कामयाबी आपकी हो सकती है। जॉब के साथ साथ अगर आप कोई भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अगर साइड बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अगले 3 से 4 साल आपके लिए फिनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ग्रेजुअली कामयाबियों की तरफ आपका स्टार आपको लेके जा रहा है। जो भी पर्सनल विशेज है उसमें आपको कामयाबी होती रहेगी। जो भी पास्ट में आपके अनकम्प्लीट काम रहे हैं, छोटे छोटे जिसके लिए आप स्ट्रगल करते रहे, हार्ड वर्किंग करते रहे, उसमें इंशाल्लाह अगस्त सितंबर से आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएंगी। चूंकि यू बिलोंग टू कैप्रिकॉर्न सो आई विल रिकमेंड यू कैन वेयर स्टोन, मून स्टोन, पर्ल या फिर ब्लैक कीक पहन सकते हैं। ब्लैक कलर का सदका दिया करें, जैसे कोई भी काले चने, कोई दाल या कपड़ा वगैरह दे दिया करें। अगर आप सूर्य कौसर, सूर्य कुरेश एंड सूर्य काफ की अगर आप तिलावत करते हैं एवरी डे मिनिमम 21 डेज एंड मैक्सिमम 41 डेज तक बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो 100% मुबारक रहेगा, नजरें बस से बंदी शाह से महफूज रहेंगे। थैंक यू अली चिपा साहब, आपके लिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि खुदा ताला आपको उम्र खिजर अता करे, आमीन। खुदा ताला आपके बाजुओं में वो ताकत दे, आपको वो हिम्मत, वो अज़्म और आपको सलामती में रखें कि आप जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये कौम जो है ना, ये बड़ी मुश्किलात में घिरी हुई है, ये कौम बहुत मसाइब की शिकार है। शायद ये हमारे खुद साख्ता प्रॉब्लम्स भी हैं, ये हमारा इज्तमाही डिप्रेशन भी है। हमें दुआओं की ज़रूरत तो है लेकिन हमें आप जैसे बहुत सारे मसीहा चाहिए। जिस तरह अली ने बीच में कहा कि हम अपनी, हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं हैं और हम हीरोज़ बनने भी नहीं देते हैं, वो शायद ये है कि हमें अपनी खामियाँ दूसरों में देखना अच्छा लगता है, हमें दूसरे की अच्छाइयाँ देख के फॉलो करना नहीं अच्छा लगता। लेकिन सर थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए मेरा ख्याल जब से मैं शो कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा ऑनर है। इस शो के तवस्सुत से आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वो इंस्पिरेशन होती है और वो इंस्पिरेशन हमें भी मोटिवेट करती है किसी भी फॉर्म में। मैं, मेरी टीम, हम लोग आपके किसी भी तरह से आपके साथ खड़े हो सके, हमारे लिए वो भी बहुत बड़ा ऑनर होगा। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा ताला आपको अपनी सलामती में रखे। अली आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे अगले बुध को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और अगली बुध तक अगर शकुंतला मेरी ज़िंदगी में रही और सावित्री मुझे छोड़ के नहीं चली गई तो मैं आपसे फिर उसके बारे में बात करूंगा। नज़र अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना भी, अपने पड़ोसियों का भी। अब मुझे पड़ोसियों की फिक्र नहीं क्योंकि शकुंतला और सावित्री है ना। कल मिलेंगे आज सुबह अली सलमान में।